हेलो फ्रेंड, मैं राहुल, आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ले आया हूँ। साइकिल से हम क्या सीख सकते हैं? साइकिल तो व्हीकल है, ये तो हमें भी पता है, पर उससे हम क्या ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं वही आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और उसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके कितना आगे तक जा सकते हैं ये आपको प्रूफ कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको अपने लाइफ में थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप अपने लाइफ में बचपन में कैसे थे। आप उस समय में चले जाइए जब आप नए नए साइकिल सीख रहे थे, आप कितनी बार गिर रहे थे और कितनी बार आपको उठना पड़ता था। तो क्या आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया, या साइकिल सीखते वक्त आपको जितना चोट लगा वो सब आप भूल गए? तो आपके मन में यही चल रहा होगा कि हमने तो जब साइकिल सीखा था बहुत से पल हमने बिताए थे अपने साइकिल के साथ। हम धूप में भी साइकिल लेकर निकल जाते थे, या हम दोपहर में चोरी छुपके से साइकिल लेके निकल जाते थे चलाने के लिए, उसे सीखने के लिए। उस समय में आपके दिमाग में एक ही चीज चलता था कि हमें साइकिल के बारे में सिर्फ सोचना है और कुछ नहीं, हमारे लाइफ में और कुछ नहीं है, हमारे लाइफ में सिर्फ साइकिल है। हमारे लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं था, हमारे लाइफ में कोई भी स्ट्रगल नहीं था, या कोई भी सक्सेस की तरफ हमें जाना नहीं था। हमें सिर्फ एक ही काम करना था, हमारा सक्सेस वही था कि हम कब साइकिल सीख जाएंगे और अपने दोस्त के साथ में रेस लगाएंगे। यही हमारा मुद्दा था और उसके पीछे ही हम हमेशा लगे रहते थे। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, आपको आज के जमाने में भी वही करना है। आप से बड़े हो गए हैं, पर आपको अपने दिमाग को उस बचपन में लेके जाना होगा। अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको वही बच्चा बनना होगा जो आप बचपन में थे, क्योंकि उसके पास में इतना स्टैमिना था, इतना विल पावर था कि वो कोई भी काम को किए बिना थकता नहीं था। तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आप अपने लाइफ में थक हार के जो बैठ गए हैं वही आपको छोड़ना पड़ेगा, और अपने लाइफ को इस प्रकार से स्टैंड लेना होगा कि आप वहां तक जा सके कि कोई आपको छू भी ना पाए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके लाइफ का जो भी डिसीजन है वो आपके ही हाथ में है, और आपको कैसे यूज करना है वो आपको देखना है। जब आप साइकिल लेकर निकलते थे तो आपके दिमाग में ये चलता था कि कितना समय लगेगा उसे सीखने के लिए? नहीं, आप ये नहीं सोचते थे। आपके दिमाग में ये भी तो नहीं चलता था कि कितना हार्डवर्क हमें करना होगा? ये सब चीज का हम हिसाब नहीं रखते थे, इसीलिए तो हम साइकिल सीख पाए। बस वही चीज को आपको आज करना है। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस पाना है तो वही काम को फिर से दोहराना होगा। अपने माइंड को बचपन में ले जाकर इस प्रकार से सोचना होगा, अगर आप कोई भी काम को करते हैं तो उस काम में आपको समय देना पड़ेगा, और हार्डवर्क के साथ साथ इस प्रकार से सोचना पड़ेगा कि हम हार्डवर्क दे रहे हैं, जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगा हम उस काम को नहीं छोड़ेंगे। आप क्या करते हो, आप हार्डवर्क तो देते हो पर आप उसमें समय देना नहीं चाहते। आपके दिमाग में यही चलता है, हम हार्डवर्क तो कर रहे हैं पर हमें कोई भी मुकाम हासिल नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसे बहुत दूर तक जाकर छोड़ देते हैं। हम ये नहीं सोचते हम थोड़ा दूर और जाएंगे तो वो सक्सेस हमें मिल जाएगा जिसके हम काबिल हैं, पर हम उसे इस प्रकार से छोड़ देते हैं और वहां से घूर जाते हैं, हमें कुछ भी हाथ नहीं आता। और उसके साथ साथ हमें बहुत लोगों का बात भी सुनना पड़ता है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं इसीलिए उन लोगों का बात तो सुनना ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में आप मत सोचिए। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई बटन पे मिल जाएगी, उसको आप देख लेना। अपने माइंड को इतना शांत करिए कि आपका माइंड इतना आसानी से बोल सके कि हम ये काम कर सकते हैं, और कोई भी काम को शुरुआत करे जब तक उसमें सक्सेस ना मिले उसे छोड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको एक ही चीज सोचना है कि हम वही बच्चे हैं जो साइकिल सीख रहे हैं। जब साइकिल हम सीखते हैं तो हमें बहुत से कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है, पर हमारे आंखों के सामने क्या रहता है? हमारे आंखों के सामने यही रहता है कि हम साइकिल चला रहे हैं, और हम इतना स्पीड में चला रहे हैं कि हम सबसे आगे जा रहे हैं। उसी प्रकार से आपको अपने लाइफ में ये सोचना होगा कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं, और इस प्रकार से हो रहे हैं कि आप सबसे आगे जा रहे हैं और आपको कोई भी हरा नहीं सक रहा है, आपको कोई छू भी नहीं पा रहा है। जब आप अपने माइंड में ये सोचने लगेंगे तो समझ लीजिए आप सक्सेस हो गए। सक्सेस पाना पैसा कमाना नहीं है, सक्सेस पाना दूसरों को खुश रखना है। तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने लाइफ में कोई भी काम करते हैं उससे अगर किसी को खुशी मिलता है तो समझ लीजिए आप उसी दिन सक्सेस हो गए। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जब तक सक्सेस ना मिले उस मुकाम को छोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो फेलियर मिल रहा है असल में वो तो पहला चैप्टर है सक्सेस के रास्ता पे। अगर आप एक एक फेलियर को ठीक करोगे तो आप सक्सेस के पास इस प्रकार से पहुंच जाओगे कि आपको कोई हरा भी नहीं सकेगा। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरे वीडियो पर पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।